नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में कि आखिर वो रेलवे जो है कैसे यहाँ पे यात्रा की सुविधा प्रदान कर रही है। देश में कोरोना महामारी के कारण एक तरह से जनजीवन स्थिर पड़ गया है। साल 2020 में जब पहली बार देश में कोरोना ने दस्तक दी थी, उस समय सबसे पहले स्कूलों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे रेलवे बस सेवा भी बंद कर दिया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके बाद से जहां थे वहीं सारे लोग रह गए। ऐसे में घूमने फिरने का प्लान बना रहे लोगों के लिए एक मायूसी हाथ लगी थी। लेकिन अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है और धीरे धीरे करके जनजीवन सामान्य होने लगा है, तो एक बार फिर से लोग घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने भी यात्रियों को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारत के मंदिरों की सैर के लिए पैकेज तैयार किया है। भारतीय रेलवे के कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड अब क्षेत्रीय लोगों को दक्षिण भारत के साथ वाराणसी का दर्शन कराएगी। 10 अक्टूबर से 2 नवंबर तक के लिए यह यात्रा का पैकेज तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ IRCTC आस्था सर्किट स्पेशल पर्यटन ट्रेन चलाई जा रही है, जिसका ठहराव स्थानीय स्टेशन पर भी होगा। ये इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए IRCTC पटना के रीजनल मैनेजर राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के दिलदार नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर निर्मित फूड ट्रैक के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। इस दौरान रीजनल मैनेजर ने बताया कि पर्यटन ट्रेन पहली बार DDU पटना खंड पर दक्षिण भारत सहित वाराणसी दर्शन के लिए चलाई जा रही है। यह ट्रेन 10 अक्टूबर को राजगीर से चलेगी और नालंदा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर रुकते हुए DDU जंक्शन के रास्ते तिरुपति बालाजी, मदुरई यानी कि मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, रामानाथ स्वामी मंदिर, कन्याकुमारी एवं विवेकानंद रॉक, त्रिवेंद्रम, पद्मनाभम मंदिर, वाराणसी, काशी बाबा विश्वनाथ के तीर्थ स्थलों का दर्शन कराते हुए 13 रात और 14 दिन की यात्रा 2 नवंबर तक पूरी करेगी। इस यात्रा के दौरान पर्यटकों को स्लीपर क्लास में यात्रा, शाकाहारी भोजन, घूमने के लिए बस, रहने के लिए धर्मशाला में व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कोटे में सिक्योरिटी गार्ड एवं टूर एस्कॉर्ट तथा मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। इस यात्रा के लिए किराया की अगर हम बात कर लें तो IRCTC ने 13,230 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया है। इसकी बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन व दिलदार नगर रेलवे स्टेशन के फूड ट्रैक पर ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस यात्रा को लेकर रीजनल मैनेजर ने यह भी बताया कि अगर बक्सर के लोग 10 की संख्या में इस ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति 500 रुपये अतिरिक्त छूट मिलेगी। यात्रियों को ध्यान में रखते हुए दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पर फूड ट्रैक पर 24 घंटे यात्रियों को वेज और नॉन वेज खाने की व्यवस्था की गई है। तो ये थी रेलवे के यात्रा पैकेज के बारे में जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।